नमस्कार, आप देख रहे हैं NDTV। हम हैं चेन्नई में और मेरे साथ हैं हमारे डेटा वेटरन अमिताभ तिवारी। यहाँ पर हम लोगों से चर्चा कर रहे हैं, समझना चाह रहे हैं कि तमिलनाडु का चुनाव क्यों बीजेपी के लिए सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है, महाराष्ट्र से भी ज़्यादा, बंगाल से भी ज़्यादा, और नया क्या है यहाँ पर। अमिताभ, जो इस बार चुनाव में एक फ़र्क है तमिलनाडु के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो वो ये है कि पहले बीजेपी और संघ जो है वो हिंदी, हिंदुत्व, राष्ट्र, ये ज़ुबान थी तमिलनाडु में। मोदी जी ने नई ज़ुबान दी है और वो ज़ुबान ये है कि तमिल सबसे पुरानी भाषा है, डेमोक्रेसी का क्रेडल है तमिलनाडु, और यहाँ की जो संस्कृति, समाज और भाषा, इसके बारे में द्रविड़ियन पॉलिटिक्स ने हमेशा एक्सक्लूजनरी पॉलिटिक्स की और इसको सेल नहीं किया, इसको वो प्राइड की जगह नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। मुझे लगता है कि मोदी जी का कैलकुलेशन ये है कि ये वाला विमर्श काम करेगा और उसमें पोस्ट द्रविड़ियन पॉलिटिक्स की तरफ एक लालसा हो सकती है तमिलनाडु के लोगों की। ये प्रमाइस सही है क्या? देखिए, पिछले 50 साल से लगभग DMK और AIADMK की लड़ाई रही है। हालांकि ये दोनों दल कभी भाजपा और कभी कांग्रेस के साथ अलायंस करते रहे हैं। DMK ने तो जब भी अलायंस नहीं किया है तब भी उसे 5 सीटों से ऊपर कभी आई नहीं। तो कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर मोदी को लगता है, और क्योंकि वो गुजरात से ऊपर बढ़े हैं, गुजराती अस्मिता वहाँ एक बहुत बड़ी बहुत बड़ा मुद्दा था, बहुत बड़ी इशू थी। यहाँ भी उनको दिखता है कि तमिलियन प्राइड, एक जो रीजनलिज्म है, सब नेशनलिज्म है, एक बहुत बड़ा इशू है। तो वो कहीं ना कहीं, क्योंकि DMK तमिलियन प्राइड पे BJP को काउंटर कर रहा है कि डेवोल्यूशन ऑफ टैक्सेस सही नहीं हुए हैं या फिर फ्लड रिलीफ के टाइम अच्छा अमाउंट नहीं दिया गया है सेंटर से, तो उसी तमिलियन प्राइड को बीजेपी प्राइम मिनिस्टर मोदी कैप्चर करना चाह रहे हैं। उसके रिच कल्चर, हेरिटेज, हिस्ट्री, लैंग्वेज, काशी तमिल समागम, इन सब इवेंट्स के द्वारा। बिल्कुल, तो इसीलिए कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो हम लोग एनालिसिस करते हैं कि तमिलनाडु में जहां सीट नहीं मिलनी है वहां पर इतना जोर क्यों लगा रखा है बीजेपी ने, तो उसकी वजह यह शायद कि ये वाला एक लेटेंट फीलिंग काम करती है। और जो फर्क है, पहले द्रविड़ियन पॉलिटिक्स क्या रही है कि सेंटर से शिकायत करो, और उसके कारण हम लोग नॉर्थ और बनाम साउथ देखते रहे हैं। मोदी जी की ज़ुबान इस बार नॉर्थ और साउथ को इंटीग्रेट करने पर ज़्यादा है, और वो तमिल सेंटिमेंट को इसके ऊपर जाके समझा पा रहे हैं कि नहीं, ये क्वेश्चन है। हाँ, मतलब अगर हम राम मंदिर के इनॉग्रेशन के टाइम भी देखें तो उन्होंने यहाँ से शुरुआत करी, तो एक जो नॉर्थ साउथ डिवाइड को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करी। उन्होंने यह मैसेज देना चाहा कि राम सिर्फ नॉर्थ के भगवान नहीं है, साउथ के भी भगवान है, और साउथ में इनफैक्ट तमिलनाडु और कर्नाटक में काफ़ी टाइम उन्होंने अपने एग्जाइल के दौरान बिताया है। तो इसको पाटने की कोशिश कर रहे हैं वो। और अगर डेटा की बात देखें तो बहुत ज़्यादा स्विंग वोटर हैं तमिलनाडु में। 2014 में AIADMK को लगभग 45% वोट मिले थे, लगभग 25-26% ज़्यादा। वहीं 2019 में वो 22% उसका वोट जो है वो कम हो गया था। तो इसका मतलब है ये जो वोट है ये कोई हार्डकोर AIADMK या DMK वोट नहीं है, ये एक स्विंग वोट है, न्यूट्रल वोट है, मे बी यूथ वोटर है, अर्बन, सेमी अर्बन, मिडिल क्लास वोटर है, और इसके ऊपर नज़र है बीजेपी की। अगर आपको ध्यान हो 2019 में भी जब ये कहा जा रहा था कि बीजेपी मैक्स आउट कर गई है नॉर्थ में, उस समय भी अगर हम ये ध्यान दें कि कौन सी वो टॉप 3 स्टेट्स थी जहाँ पर मोदी जी ने सबसे ज़्यादा रैलीज करी थी, यूपी के बाद आपको आश्चर्य होगा बंगाल और उड़ीसा की। बिल्कुल, और उसके बाद अब तमिलनाडु का नंबर, और अब तमिलनाडु का नंबर। बिल्कुल, और एक यहाँ पर चूंकि MGR, जयललिता, करुणानिधि जैसे बड़े कद के नेताओं को देखने की और उनसे कम्युनिकेट करने की आदत रही है तमिलनाडु की जनता की, तो उसमें एक तरफ ऊपर से मोदी जी और नीचे से एक बहुत ही यंग एक्स IPS ऑफिसर नेता को भी उसी तरीके से एक बड़े लार्जर देन लाइफ पर्सोना के रूप में बिल्ड किया जा रहा है, अन्नामलाई। विल दैट वर्क? बिकॉज यहाँ पे बड़े लीडर्स, यहाँ एक लीडरशिप की लड़ाई हमेशा रही है, MGR, जयललिता, करुणानिधि, और पोस्ट जयललिता, पोस्ट करुणानिधि एरा में काफ़ी स्ट्रैटेजिस्ट और कमेंटेटर्स को लगता है कि जो उनके उत्तराधिकारी हैं वो उस लेवल के कैरिश्मेटिक लीडर नहीं है। प्लस क्योंकि यहाँ लीडरशिप की बैटल है, प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद बीजेपी को लगभग 25-30% एक्स्ट्रा वोट नॉर्थ में, वेस्ट में, ईस्ट में दिलाते आए हैं, तो उनकी कोशिश है कि मेरे नाम पे, क्योंकि मेरा नाम टिकट पे है तो मेरी वजह से लोग, मेरे करिश्मा और पॉलिसीज़ की वजह से लोग आकर्षित हों, और लोकल लेवल पे भी एक लीडर चाहिए। तो वहीं पे अन्नामलाई को प्रेजेंट किया गया है, उनको उनको खड़ा किया गया है, और वो सिर्फ 39 साल के हैं, यंग वोटर्स में
उनकी अच्छी पैठ है। मैं कोयम्बतूर में पिछले 1.5-2 साल पहले था और वहाँ पर बीजेपी के प्रति यंग मिडिल क्लास एजुकेटेड वोटर्स में एक अच्छा आप कह सकते हैं सपोर्ट मुझे उस वक्त देखने को मिला था। बिल्कुल, दर्शकों को बता दें कि हम यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि तमिलनाडु अगर इतना डिफिकल्ट स्टेट है तो उसके बावजूद मोदी जी के यहाँ 7 सफर या शायद उससे भी ज़्यादा, सिंगोल, शी जिनपिंग आप याद करें और उसके बाद ये याद करें कि इस वक्त जो राम मंदिर के आगे पीछे की उनकी गतिविधियाँ थी, जिस जुबान में वो बात करते हैं, क्या उनकी ये आशा पूरी होगी कि पोस्ट द्रविड़ियन पॉलिटिक्स में बीजेपी यहाँ एक बड़ी प्लेयर बन करके इस चुनाव से सामने आ जाए, इसी की परीक्षा इस चुनाव में है। 19 अप्रैल को पहले राउंड में ही पूरा तमिलनाडु चुनाव के लिए मतदान के लिए जा रहा है, फिर नतीजों का इंतजार रहेगा।